हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण श्रीवास्तव फ्रॉम अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज। टुडे आई वॉन्ट टू टीच यू अबाउट सॉफ्टवेयर्स एंड इट्स टाइप्स। एज वी नो दैट अ कंप्यूटर सिस्टम is composed of two main components, hardware and software। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बेसिकली दो मेन कंपोनेंट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। एंड दीज टू यूनिट्स कलेक्टिवली प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू फॉर्म अ फुल्ली ऑपरेशनल कंप्यूटर। और ये दोनों जो मेन कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये मिलके हमारा एक फुल्ली ऑपरेशनल कंप्यूटर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंडिविजुअली मींस इनका अकेला कोई भी महत्व नहीं है, बिकॉज द सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट हार्डवेयर। एक सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर की मदद से काम नहीं कर सकता। ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बैकबोन की तरह काम करता है। बैकबोन मीन्स जैसे कि किसी मैन को स्टैंड होने के लिए बैकबोन की आवश्यकता होती है, ऐसे हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली रन करे इसके लिए हमको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बहुत सारे प्रोग्राम्स, रूटीन्स, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस, उनका एक सेट होते हैं, समूह होते हैं। और उन सभी प्रोग्राम्स को जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं और ऑप्शन के रूप में यूज करते हैं, ऑप्शन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स ज्वाइंट होते हैं और उन ज्वाइंट प्रोग्राम्स में जिस पर्टिकुलर ऑप्शन की हमें आवश्यकता होती है उस ऑप्शन को हम चूज करके उसको एक्टिवेट करते हैं। सपोज दैट एक स्कूल के यूज में जो सॉफ्टवेयर आता है इसको हम लोग स्कूलिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, नॉट अ सिंगल प्रोग्राम, वो कई प्रोग्राम्स का एक सेट होता है, एक समूह होता है। और ये समूह कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क्स सच एज कलेक्शन ऑफ फीस, एडमिशन ऑफ अ स्टूडेंट, टीचर्स रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, सो मैनी वर्क्स रिलेटेड विद स्कूल। So we can say that software is a set of programs computer जो हमारा होता है उसके सारे work software पर depend रहते हैं। अब आपको हम एक diagram के through दिखाएंगे कि softwares कितने प्रकार के होते हैं। तो इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू फोर कैटेगरीज। दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर्स, यूटिलिटीज एंड डीबीएमएस।
सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है वो भी आगे चल के चार भागों में बटा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर्स, यूटिलिटीज और डीबीएमएस। इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो भी बेसिकली दो भागों में बटा होता है या दो तरह का होता है। आगे आने वाले वीडियोस में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में और भी बताया जाएगा। उसी क्रम में ट्रांसलेटर्स भी हमारे तीन तरह के होते हैं। और सॉफ्टवेयर का जो दूसरा टाइप है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी दो तरह के होते हैं। आइए हम आगे इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जैसा कि बताया गया डायग्राम में कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमारे दो तरह के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। दीज आर ऑल्सो कैटेगराइज इंटू फोर कैटेगरीज, इनको भी चार अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। और जो पहली कैटेगरी हमारी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड वन इज ट्रांसलेटर, थर्ड वन इज यूटिलिटीज एंड फोर्थ वन इज डीबीएमएस। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, एज वी नो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम is comes under the category of system software. It controls the whole computer system, or we can say it is a collection of specialized programs which are used to manage the overall operation and resources of computer. Yani ye ek specialized programs ka ek samuh hota hai जिसका काम क्या होता है कि वो कंप्यूटर का पूरा संचालन करता है। ये किसी भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ये दो तरह के होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं सच एज डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, ये सिंगल यूजर में आता है। ऐसे ही जो सेकंड टाइप है वो हमारा मल्टी यूजर का है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर दोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच सपोर्ट्स अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं, सच एज विंडोज, सच एज विंडोज। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। अब आगे हम और भी इसके टाइप्स की चर्चा करेंगे। अभी जो डायग्राम था उस डायग्राम में आपको दिखाया गया था कि जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो भी फर्दर कैटेगराइज किया गया था, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकंड वन इज ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, एज वी नो दैट कंप्यूटर इज अ मशीन, जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है एंड इट नोज ओनली मशीन लैंग्वेज, ये केवल मशीन की भाषा ही समझता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे रहे हैं उनको कंप्यूटर समझता नहीं है, और उन इंस्ट्रक्शंस को पहले ट्रांसलेट करना होता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, बिकॉज कंप्यूटर नोज ओनली मशीन लैंग्वेज। तो देर आर थ्री ट्रांसलेटर्स, दीज आर असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर।
असेंबलर क्या करता है, ये हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, विच इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। एंड इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एंड थर्ड वन इज कंपाइलर, यह भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर का दोनों का वर्क तो सेम है, नहीं, इंटरप्रेटर भी वही काम कर रहा है जो कंपाइलर कर रहा है, बट डिफरेंस क्या है कि इंटरप्रेटर क्या करता है कि हमारे प्रोग्राम की ईच एंड एवरी लाइन को वन बाय वन ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर जो है पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज। अब बात करते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटीज की। हमारे कंप्यूटर में ये भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसका रोल क्या होता है कि ये कंप्यूटर में होने वाली वेरियस टाइप्स की एक्टिविटीज को मैनेज करता है। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि दीज आर यूज टू मेंटेन द कंप्यूटर सिस्टम। इनकी भी वैरायटी काफी वाइड होती है, और बेसिकली जैसा कि मैंने कहा कि इनको हमारे कंप्यूटर को के मेंटेनेंस में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो इनको प्रयोग करने के बाद हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो यूटिलिटीज है वो क्या है, एक हमारी डिस्क फ्रेगमेंटर होती है। ये क्या करती है, ये हमारे सिस्टम को में जो भी स्टोरेज डिवाइस होती है उसमें जो ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, खाली स्पेसेस होते हैं, उनको शिफ्टिंग ऑफ डाटा से फिल कर देती है, जिससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। डिस्क स्कैनर, जब भी कभी कोई इम्प्रॉपर शटडाउन होता है तो हमारी डिस्क में कुछ एरर्स आ जाती हैं, उन एरर्स को स्कैन करना मीन्स जांचना और उनको रिमूव करना। ये डिटेक्ट भी करता है और करेक्ट भी करता है, ढूंढता भी है और सही भी कर देता है। स्कैन डिस्क, डिस्क क्लीनअप, इस तरह की कुछ यूटिलिटीज हमारे सिस्टम में होती हैं। एंड थर्ड वन इज फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। इस यूटिलिटी से क्या होता है, हमारे फाइल्स का जो साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स ओरिजिनल डाटा। जो ओरिजिनल डाटा होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। बेसिकली होता क्या है कि जब हमको मोर देन वन फाइल्स कहीं भेजनी होती हैं, तो हम उनको फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी के थ्रू जब कंप्रेस करते हैं तो वो एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। बाद में उसका जो डेस्टिनेशन होता है वहां पर जाके उसको हम फिर से एक्सट्रैक्ट करके उतनी ही फाइलों में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। एंड द फोर्थ वन इज वायरस स्कैनर। इस यूटिलिटी से हमारे सिस्टम में आने वाले वायरसेस को डिटेक्ट और रिमूव किया जाता है, बिकॉज वायरस इज अ वेरी हार्मफुल प्रोग्राम विच कैन डैमेज अवर कंप्यूटर सिस्टम्स, ओएस एंड अदर डाटा। फिफ्थ वन इज स्क्रीन सेवर। हमारा कंप्यूटर जो होता है लगातार काम करते हैं जब हम लोग, और उसके बाद हम जब सिस्टम को तो कोई वर्क नहीं कर रहे होते हैं तो कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट्स स्क्रीन पर मूव करने लगते हैं, इनको हम स्क्रीन सेवर्स कहते हैं। स्क्रीन सेवर्स क्या होते हैं, कुछ कंटिन्यूअसली मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो तब चलते हैं जब कंप्यूटर पे हम कुछ देर के लिए कोई काम ना करें। नेक्स्ट हमारा आता है फाइल व्यूअर यूटिलिटी। जैसा कि इसका नाम है, ये यूजर को किसी फाइल के कंटेंट देखने के लिए काम आती है। जैसे कि हम
कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हम उसको देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको नोट पैड की जरूरत पड़ेगी या वर्ड पैड की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही बहुत सारी यूटिलिटीज, सॉरी फाइल व्यूअर यूटिलिटीज होती हैं, जिनकी मदद से हम वेरियस टाइप्स के फॉर्मेट वाली फाइल्स को देख सकते हैं। हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाला जो फोर्थ कैटेगरी है वो है DBMS, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो DBMS होता है ये किसी भी तरह के डेटाबेस की पूरी कंट्रोलिंग करता है। इसमें हम डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। ये डेटाबेस होता क्या है? बहुत सारे डाटास को किसी हेडिंग्स के अंतर्गत स्टोर कराना ये क्रिएशन ऑफ डेटाबेस कहलाता है। सपोज दैट हमें कुछ रिकॉर्ड्स भरने हैं, मेंटेन करने हैं, जिसमें हम स्टूडेंट नेम, उनका एज, उनका रोल नंबर, उनकी स्ट्रीम, आदर दे बिलोंग्स टू साइंस फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी, इस तरह से कुछ डेटा मेंटेन करने हैं। तो उसके लिए हमको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा जिसमें हम कौन कौन से डाटास फिल करना चाह रहे हैं, सच एज स्टूडेंट नेम, एज, रोल नंबर, उन डाटास की कैटेगरी क्या है, आदर दे आर टेक्स्ट और न्यूमेरिक और डेट टाइप। तो इसी प्रकार से हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे। अगर कोई गलती हो रही तो उनको हम सही करने के लिए उनको एडिट कर सकते हैं। डाटाबेसेस में रिकॉर्ड्स भर जाने के बाद उनको हम सॉर्ट कर सकते हैं, मीन्स किसी क्रम से लगा सकते हैं, आदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कोई भी टू और मोर डेटाबेस को हम आपस में लिंक कर सकते हैं और डेटाबेस को अपने सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो कैटेगरीज थी ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज थी। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि मैंने पहले डायग्राम में आपको शो किया था कि सिस्टम सॉरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, तो जो हमारा दूसरा प्रकार है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। These softwares are designed to perform any task for user's requirement. User means हम आप, हमारी जो requirements होती हैं उन requirements को पूरा करने के लिए इनको create किया जाता है। ये भी आपके दो तरह के होते हैं, either standardized application software और यूजर डिफाइंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टैंडर्डाइज्ड का मीन्स क्या होता है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में इनको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए लोग यूज करते हैं। सपोज दैट हमको क्या करना है, हमको एक बायोडेटा क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, एमएस वर्ड भी कहते हैं, एमएस वर्ड भी कहते हैं। तो उसमें किसी भी तरह का टेक्स्ट डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है। एमएस एक्सेल होता है शीट वर्क, पावर पॉइंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। तो ये सब हमारे स्टैंडर्डाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। किसी को कुछ कार्ड्स डिजाइन करने हैं तो वो एडोब पेज मेकर एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सब स्टैंडर्डाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एंड दीज आर यूज्ड इन द होल वर्ल्ड। एंड सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमारी आपकी अपनी आवश्यकताएं होती है। जैसे किसी की अपनी एक लाइब्रेरी है तो वो बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, किसी का मेडिकल का रिटेल मेडिकल स्टोर है तो अपने मेडिकल स्टोर पर अपनी जो मेडिसिन है उनका रिकॉर्ड रखेगा, किसी का स्कूल है तो वो स्कूलिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट कराएगा,
किसी डिपार्टमेंट में पेरोल जो सैलरी मिलती है उसका रोल बनाना, एक मतलब एक चार्ट टाइप का बनाना। तो ये कह सकते हैं कि जो यूजर डिफाइंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हमारी और आपकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको इस वीडियो लेक्चर में सॉफ्टवेयर और उसके प्रकार, उनके टाइप्स के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ अन्य टॉपिक्स के बारे में बताएंगे।